गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर से। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ गुलर, जहाँ पर बस स्केव है। मेरा पिकअप पॉइंट है मालाकुंडी से। तो 11 बजे का टाइम था, अभी 10:35 हो चुके हैं। और यहाँ पर धूप अच्छी निकली हुई है, गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा बताइए। और रोड एकदम सुनी सुनी पड़ी हुई है, सुनसान, क्योंकि एक तो जोशी मठ का काम ख़त्म हो चुका है, बर्फबारी भी हो नहीं रही है। तो इसलिए इतने जितने जो यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, वो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, पूरी रोड सुनी पड़ी हुई, लगा लीजिए यार, मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ, नेशनल हाईवे बद्रीनाथ हाईवे है ये। ठीक है, पूरी रोड सुनी सुनी पड़ी हुई, बताइए ऐसे हाल है। तो चलिए आपसे मिलते हैं मालाकुंडी के ब्रिज पे। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अभी हम मैं पहुँच चुका हूँ मालाकुंडी के ब्रिज पे, जो कि एक धीरे धीरे बन चुका है मेरी प्री वेडिंग शूट का पॉइंट। आप देख भी सकते हैं, काफ़ी सारे प्री वेडिंग के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर शूट भी हो रही है, लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, ये सब ये प्री वेडिंग शूट हो रहा है यहाँ पर, है ना। ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग टाइम है, इसलिए इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं शूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए, है ना। और अच्छा लगता है कि इस काम का कम से कम इस बहाने ही यहाँ पर काफ़ी सारे बाहर से लोग आते हैं, इस व्यू को अपने साथ लेके जाते हैं, है ना। तो मेरा तो पिकअप पॉइंट है जो यहीं से है। जैसे ये ब्रिज कसम क्रॉस करके मैं एंड होगा, वैसे राइट साइड में देखिए आपको बहुत सारे कैंप देखने मिलेंगे। तो राइट साइड में जो एक कैंप दिख रहे हैं सारे सारे, इन्हीं कैंप में से गेस्ट को पिकअप करना है और ड्रॉप करना है हरिद्वार। मालाकुंडी, ये है मालाकुंडी ब्रिज। उधर काफ़ी सारे रिजॉर्ट भी हैं। यहीं से करना है पिकअप गेस्ट को। तो दोस्तों, जस्ट केवल 1.25 घंटे लगा मुझे मालाकुंडी से यहाँ पहुँचने में, और ड्रॉप कर दिया गेस्ट को हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। और लेकिन एकदम मैं ऐसा देखने लग रहा है कि रोड काफ़ी सूनी सूनी लग रही है, पानी ऐसा क्यों भाई, क्या हो गया एकदम से, जो उत्तराखंड में जो यहाँ की तरफ की जो रोड साइज सूनी सूनी लग रही है, है? कोई भी मतलब दिल्ली हाईवे तो पूरा सोना लग रहा है, दिल्ली हाईवे फिर ऊपर बद्रीनाथ हाईवे, सोना सोना है कहीं, ना गाड़ियाँ दिख रही, ना कोई भीड़ भाड़ दिख रही है हरिद्वार की पौड़ी की तरफ भी, है ना। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। और ये पहुँच गए हम वापसी में ललतारा पुल पर। सुंदर भव्य आरती होती है हर की पौड़ी में, यहाँ पर हरिद्वार में। और ये है ललतारा पुल, इसको ललतारा पुल कहते हैं। अभी मैं नेशनल हाईवे मिलने वाला हूँ। देखिए कितनी सूनी सूनी रोड लग रही है, पूरी पूरी, है ना, काफी सूना सूना पन, बताइए क्या करें ऐसे में, कितना सूना पन है यहाँ पर। गेस्ट आ ही नहीं रहे, बर्फबारी हो ही नहीं रही है अभी तक, जब तक बर्फबारी होगी तब आएंगे टूरिस्ट। उड़ चला। सो लेफ्ट में है, मेरे लेफ्ट हैंड में देखिए, अच्छा है ना हर की पौड़ी। रोड कोई सुनी सुनी आएंगे लगा रहा हूँ, अभी तो जल्दी पहुंच गया मैं नेशनल हाईवे पर। ये दिल्ली नेशनल हाईवे में, हरिद्वार नेशनल हाईवे, जिसमें काम भी चल रहा है फ्लाईओवर का। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आशा करता हूँ कि जब यात्रा खुलेगी अप्रैल में, उससे पहले पहले ये कंप्लीट हो जाए, ताकि नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा और इसमें ट्रैफिक जाम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो स्लो ट्रैफिक के लिए अभी, मतलब ट्रैफिक कम है तो इसलिए इतना काफ़ी है, लेकिन तब तक कम्प्लीट होना चाहिए। और वैसे ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि ये कम्प्लीट हो जाएगा तब तक, है ना, फ्लाईओवर का काम। अभी पहुंच चुका हूँ शाम फाटक में, तो देखो ट्रेन काफ़ी जाम का कंडीशन यहाँ पर रहता है भैया इस ट्रेन की वजह से, क्योंकि एक तो ये जो हाईवे है ना,
यहीं पे ही काफ़ी कंजस्टेड है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ट्रेन जा चुकी है, अब कुछ सेकंडों बाद यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू हो जाएगा जब फाटक खुल जाएगा।